हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज है 31 दिसंबर, यानी कि साल का लास्ट डे। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया ताकि मैं कभी भी देखूं तो मुझे याद रहे। अभी सुबह के लगभग 8:15 बज रहे हैं। इनका बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी था तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, मैं जाकर फिर 10-11 बजे के आसपास आऊँगा। यहाँ तक इन्होंने मुझे एक कप चाय भी नहीं बनाने दिया, तो मैं भी बैठी रही। मैं सुबह उठती हूँ तो अभी इतना सवेरे नहीं है कि मैं इतना लेट से बाहर आई हूँ। मैं उठती हूँ तो बैठ कर कुछ ना कुछ मैं 5 से 10 मिनट पढ़ती हूँ। मैं बाल झाड़ू ना झाड़ू, बिंदी लगाऊँ ना लगाऊँ, खाना खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन जिस दिन मैं 5 से 10 मिनट नहीं पढ़ लेती हूँ, मुझे लगता है मैंने अपने साथ कुछ गलत किया है। कम से कम 5 से 10 मिनट भी मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो ये तो चले गए हैं, बाबू अभी सोया है। तो मैं किचन आई हूँ तो ये रात का कुछ बर्तन आप देख रहे हैं, इसको मुझे लगाना है। और अभी गर्म पानी करके मैंने पी लिया है। और ये रात में ये लाए थे धनिया का पत्ती और हरी मिर्च, इसको धोना है। इसमें एक बार मैं गर्म पानी करके रख देती हूँ, रात भर पीती हूँ, सुबह भी इसी से पीती हूँ। किचन वगैरह पूरी तरह से साफ़ है, किचन तो पूरी तरह से साफ़ है, तो मुझे इस बर्तन को लगाना है। और यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर लिया है क्योंकि आज मुझे बनाना है सैंडविच। आज जो है ब्रेकफास्ट में यही मुझे बनाना है क्योंकि आज जो है अपने मन से जीऊँगी, ये है नहीं, ये खाना खाने आएंगे जब तब। और ये भी होता है कभी 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 फ़ोन कर देते हैं मैं नहीं आ पाऊँगा, तो ये भी होता है। तो देखते हैं आज क्या कुछ बना पाते हैं। तभी तो फिलहाल मैंने गर्म पानी पिया, मैं अभी चाय भी नहीं पीऊँगी, नहा कर अब नाश्ता करने के बाद ही चाय पीऊँगी और फिर मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। तो उस बीच क्या हुआ, बाबू सोकर उठ गया तो बाबू को ब्रश कराया। और जब ये नहीं रहते हैं यानी कि मॉर्निंग में चले आते हैं तब फिर मैं तुरंत बाबू पर ध्यान देती हूँ। ब्रश कराया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स दिया, जितना देर में वो ड्राई फ्रूट्स खाया, दूसरे काम को कंबल वगैरह को मैंने फोल्ड किया और उसके बाद लगे हाथ उसको नहला दिया। और अभी उसको सैंडविच काफ़ी पसंद है तो उसको मैंने कहा है आप 100 तक बैठ कर लिखिए, वो बालकनी में धूप में 100 तक बैठ के लिख रहा है। और मैं नहाकर मैंने पूजा कर लिया है तो मैं आ गई हूँ किचन। आपने देखा मैंने तवा चढ़ा दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। मैंने टमाटर काट लिया है, धनिया पत्ती है, थोड़ा सा हरी मिर्च मैं अपना बनाऊंगी तो हरी मिर्च डाल दूंगी। आलू को मैंने आलू का छिलका उतार दिया है, यहाँ पर ओनियन भी काट दिया है। आज मैं प्याज नहीं यूज करने वाली थी क्योंकि आज गुरुवार है, लेकिन ऐसा जो है नियम नहीं मान के चलना चाहिए कि आज ये है तो आज ये खाना ही नहीं है। आप व्रत करते हैं तभी आप इस चीज़ का पालन करिए, नहीं तो आप खा सकते हैं। मेरी माँ भी 2 साल तक व्रत की थी लेकिन उसके बाद खाती है, कोई इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है और इससे कुछ भी नहीं होता है, कोई हानि नहीं होता है, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। फिर भी चूँकि कल मेरा व्रत है तो मैं इसको नहीं खाऊंगी, मैं बाबू को बना कर दे दूंगी, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि कल मेरा व्रत है। अगर कल मेरा व्रत नहीं होता तो मैं आज खाती। तो अब ना उसको दे करके अब मैं भी खा लूँगी, उसके बाद गर्म गर्म कर लिया है, उसके बाद चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, थोड़ा सा बाबू को पढ़ाऊँगी, मैं भी पीऊँगी, होगा तो छत पर जाऊँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ किस तरह मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार बनाया है, डिटेल में बताया है, बस शेयर कर रही हूँ क्या क्या आज मैंने किया। और ये बिल्कुल यादगार पल रहने वाला है, 2020 का आखिरी वीडियो, आखिरी दिन जो कि आप लोगों से मिल रही हूँ मैं। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, नए साल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। जो पुराने हैं उनको विश करती हूँ मैं नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई देती हूँ आप लोगों को, और जो पुराने हैं उनको भी, जो नए हैं उनको भी। और मेरे चैनल पर क्या होता है कि सिर्फ मैं अपना रूटीन नहीं दिखाती हूँ बल्कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यकीन ना हो तो कुछ वीडियो खोल कर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी और भी मैं धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पर बाबू किचन आ गया है, किचन आकर भी कुछ कुछ पूछ रहा है। और इस तरह से मैंने उसको पढ़ा भी दिया था, सोचा चलो साल का आखिरी दिन है तो कुछ उसको पढ़ा भी दूं। और वैसे ही सिर्फ कहा जाता है कि आप 1 जनवरी को ये करते हो वो करते हो, लेकिन इस बार मैंने ये डिसीजन लिया था कि कुछ ऐसा लक्ष्य बनाइए, ऐसा नहीं है कि किसी को विश करिए या किसी से विश लीजिए तो आपका पूरा साल जो है बिल्कुल हैप्पी होने वाला है, नहीं। कोई लक्ष्य ऐसा बनाइए कि ये एक टारगेट हमें 2021 में पूरा करना है, और उसके साथ फिर मैं उसी टारगेट के साथ मेरे साथ बने रहिए।
बिल्कुल मोटिव भी आप हो जाएंगे, आपको बहुत इस तरह से सारा मैंने चीज़ नाश्ता सीखने को रेडी कर मिलेगा। लिया है, मैं भी खाऊंगी, बाबू को भी खिलाऊंगी, और अभी मैं किचन को बिल्कुल इसी तरह छोड़ूंगी, क्योंकि इसको समेटने के चक्कर में फिर मेरा सैंडविच हो जाएगा ठंडा, तो इसको खाने के बाद फिर चाय के लिए आऊंगी किचन, तो इसको समेटूंगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नाश्ता करने के बाद, आप लोग भी चलिए। कॉपी को उतारे, सूख गई जाएगा, खुल जाएगा तुम्हारा। ऐसा यहाँ पर सॉस भी मेरा लास्ट हो गया था, आज ईयर का हाँ लास्ट दिन भी है, और मेरा चीनी भी लास्ट ही हो गया है क्योंकि अब सामान आने का भी समय हो गया है। और किचन में देखते हैं सीधी रोशनी आ रही है, धूप जो तेज़ निकलता है तो पूरा अंदर रोशनी आती है, तो यहाँ पर बिल्कुल कैमरा रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। कैमरे पर जब लाइट पड़ती है तो इसी तरह धुंधला दिखता है, चाहे आपके पास नेचुरल लाइट हो या कोई भी बल्ब हो। तो खिड़की अभी खुला हुआ है इसीलिए लाइट आ रही है। तो चलिए चाय पीकर, अब चाय यहाँ पर बन गया है, चाय बन के रेडी है। चाय लेकर मैं जाऊँगी बाबू को लेकर छत पे, यहाँ पे चाय बन गया है। और यहाँ पर मैं छत पे आ गई हूँ बाबू को लेकर के, धूप निकली हुई है तो छत पर भी बच्चे को लेकर जाना, बच्चे के साथ खेलना, हर तरह का जो है उसका डेवलपमेंट जो होता है सिर्फ अंदर ही अंदर, ठंड के कारण अगर रखेगा तो। यहाँ पर ये अपना बहुत देर तक खेला था, जितना देर ये खेला था उतना देर मैं इस पर ध्यान भी दे रही थी, अपना भी कुछ स्टडी कर रही थी। इस तरह से साल का आखिरी दिन काफ़ी इंजॉय करके बिताया, हालांकि अकेले ही क्योंकि वो तो ऑफिस में थे, तो इसी तरह का जो जीवन है साल भर इसी तरह से चलता चलते रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी काफ़ी इन्जॉय किए होंगे, काफ़ी मज़ा आया होगा, और ये लास्ट वीडियो था। तो नए साल में नए तरीके से मिलेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू डियर, लव यू ऑल, आप सबको हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर।